जैसा कि आप लोग हमारे फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर इस प्रकार की इमेज को आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हो अपने क्रोम ब्राउजर को, इसके बाद यहाँ पर सर्च वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसे सर्च भी कर देना है। जैसे आप इसे सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट को लिखना होता है। वो प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो में ही बता दूंगा। आप लोग उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक नेम है, आपको इस नेम को हटाकर और यहाँ पर आपका जो भी नेम है आप लोग यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इमेज क्रिएट होकर आ चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसे आप सभी लोग डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि आपको किसी एक इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट देखने को मिल जाता है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक और डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते के साथ ही आपका इमेज आपके गैलरी में डायरेक्ट सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसे जहां पे भी चाहो लगा सकते हो अपने सोशल मीडिया या प्रोफाइल फोटो में। इसके बाद आपको ये प्रॉम्प्ट कहां पे मिलेगा चलिए मैं बताता हूं। यहां पर आप सब जो मेरे वीडियो के देख रहे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, उसे कॉपी करने के लिए आपको यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको शेयर करने का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करो इसके बाद यहां पर कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे भी आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहां से आपको बैक हो जाना है और यहां से आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अभी जिस लिंक को आप कॉपी किए थे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते हो तो यहाँ पर मेरा वीडियो ओपन होकर आ जाएगा। तो व्यूअर सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक लाइक जरूर कर लेना है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और अगर आप लोग अपने नेम के इमेज को क्रिएट करवाना चाहते हो वो भी मेरे से, तो आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में एक नेम को लिख लेना है और आप लोग कहाँ से हो ये भी जरूर लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स आप सभी लोगों को क्या करना है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि मैं जब इस प्रकार का वीडियो लेकर आऊंगा तो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सकेगा। और यहां पर प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए देख सकते हो जो कि एक मोर लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही यहां पर आपको एक प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद लॉन्ग प्रेस किए हुए आपको नीचे की ओर आ जाना है और जहां पर प्रॉम्प्ट खत्म होता है वहां तक इस प्रकार से ब्लू टिक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो यहां पर आपको एक कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर को दोबारा से ओपन करना है और सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर बिंग इमेज क्रिएटर को लिखना है। तो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको इमेज क्रिएट करना है, यहाँ से आप लोग उसी प्रकार से इमेज को क्रिएट कर लीजिएगा। और बस आपको क्या करना है, आप लोग अभी वीडियो जहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख जाएगा, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से ओपन होकर आओगे और यहाँ पर देख सकते हो जो कि एक तीर का निशान दिखेगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर आपको दो लिंक दिख जाएंगे, जो कि मेरे व्हाट्सअप का है और एक टेलीग्राम का है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करके और दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको इसे ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस पे क्लिक करना है, व्हाट्सअप पे इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप चैनल पर आ जाओगे और यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे किस प्रकार से बहुत सारा इमेज को क्रिएट करके दिया हुआ है और यहाँ पे मैं बहुत सारा प्रॉम्प्ट भी देता रहता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग इसे ज्वाइन करके रखते हो तो आप लोग भी इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करके और बहुत सारे तरह तरह के इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो आप लोग इसे ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। और इसी प्रकार से बस आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके जरूर रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी बहुत सारे तरह तरह के इमेज और बहुत सारा प्रॉम्प्ट भी देता रहता हूँ। तो आप लोग इसे भी ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। और बस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पर प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।